मेरा नाम मोहम्मद रफीक है और मैं एज अ टेक्निकल मैनेजर फ्राइज अंजाम दे रहा हूँ इन जुबेली ब्रॉस। आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव पावर कंट्रोल के ऊपर कि किस तरह आप जो है एक्टिव पावर कंट्रोल इन्वर्टर्स विथ हुआवे इन्वर्टर्स आप किस तरह उसकी लिमिटेशंस को सेट कर सकते हो और कौन कौन से डिफरेंट कंट्रोल मोड्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं आज सब के सब मैं आपको बताऊंगा और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप करना है तो चैट बॉक्स में राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन मार्क का आइकन बना हुआ है, आपने उसको क्लिक करके फिर अपना क्वेश्चन टाइप करके ड्रॉप करना है। ठीक है, आज की प्रेजेंटेशन के तीन पार्ट्स होंगे। नंबर वन, ग्रिड टाइप पॉइंट कंट्रोल। दूसरा, इन्वर्टर आउटपुट पावर कंट्रोल, जिसमें आपको स्मार्ट पावर मीटर की जरूरत नहीं पड़ती, ओपन लूप कंट्रोल होता है वो। थर्ड, पावर रेडियो रिपल कंट्रोल। ये हमारे कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होता, कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड अदर कंट्रीज वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि ये चीज़ किस तरह होती है और किस तरह ये वर्क करता है। मेनली जो हम डीप के अंदर इन डिटेल जो डिस्कस करेंगे वो पार्ट वन, ग्रिड टाइप पॉइंट पावर कंट्रोल, जो क्लोज लूप कंट्रोल कहलाता है, उसमें आपको स्मार्ट पावर सेंसर कंपलसरी चाहिए होता है। दूसरा, डायरेक्टली आप इन्वर्टर्स का आउटपुट पावर किस तरह लिमिट कर सकते हैं, ओपन लूप कंट्रोल, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तीसरा, रिपल कंट्रोल, जिसके ऊपर मैं स्पीड के साथ जाऊंगा 3-4 स्लाइड्स के ऊपर। ये ग्रिड टाइप पॉइंट कंट्रोल का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ग्रिड स्टेबिलिटी को मेक श्योर करने के लिए और उन जगहों पे जहाँ पे आपका ग्रिड ऑपरेटर आपको लिमिट करता है कि आपने सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के ऊपर इतना अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल्स आपने बैकफीड करना है। ठीक है, और हमारे यहाँ इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, अगर आप इन एट एन स्टार्ट आप सोलर सिस्टम किसी भी क्लाइंट कस्टमर के पास इंस्टॉल करते हैं तो इनिशियली आपके पास नेट मीटरिंग का लाइसेंस नहीं होता। तो वहाँ पर आपने मेक श्योर करना होता है कि जो भी आपकी एक्स्ट्रा जनरेशन हो रही है मोर देन लोड, आपने मेक श्योर करना होता है कि वो बैकफीड ना हो टूवर्ड्स द ग्रिड। अगर आप जीरो एक्सपोर्ट लिमिटेशन अप्लाई नहीं करते तो आपका कस्टमर एट द एंड आपको कंप्लेन कर रहा होता है कि मैंने अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, प्रीवियसली जो मेरा बिल आता था वो 25,000 आता था, आफ्टर इंस्टॉलिंग सोलर सिस्टम मेरा जो बिल आ रहा है वो 35,000 आ रहा है, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बल्कि मुझे डिसएडवांटेज हो रहा है कि मुझे 10,000 इस मंथ मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो वहाँ पर होता क्या है कि आप कंट्रोल मोड स्मार्ट पावर सेंसर पिच इन नहीं करते, जिसकी वजह से आपका बैकफीड हो रहा होता है। तो उसको मेक श्योर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका जो भी एक्स्ट्रा जनरेशन है फ्रॉम द सोलर वो बैकफीड ना हो। आपको आवाज आ रही है उमेर? हेलो, कुछ मैसेजेस में देख रहा था कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। एहसान, क्लियर साउंड। हो सकता है कि किसी के पास जो है इंटरनेट का इश्यू आ रहा हो, तो काइंडली अगर आप जिनके पास प्रॉब्लम आ रही है काइंडली वो क्लोज करके दोबारा सेशन को ज्वाइन करें या फिर अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, बिकॉज मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि काफी कैंडिडेट्स के पास क्लियर साउंड आ रही है। ठीक है, दूसरा, ये जीरो एक्सपोर्ट कंट्रोल काम किस तरह करती है। इसमें दो सिनेरियोज होते हैं, एक तो आप स्मार्ट पावर सेंसर डायरेक्टली कनेक्ट करते हो इन्वर्टर के साथ, दूसरा जहाँ पे आप स्मार्ट लॉगर यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मैंडेटरी होता है कि आपने जो भी जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस आइदर सप्लाइड बाय हुआवे, जो स्मार्ट पावर सेंसर DT-SU666H 250 एम्पेयर/50 mA होता है, वो डायरेक्टली आपने स्मार्ट लॉगर पे कनेक्ट करना होता है जब भी आप स्मार्ट लॉगर यूज करेंगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल इस तरह होता है, जो भी कंट्रोलिंग होती है या तो वो आइदर इन्वर्टर के पास होती है या फिर स्मार्ट लॉगर के पास होती है, या तो आपका इन्वर्टर डायरेक्टली कमांड्स रिसीव कर रहा होता है थ्रू स्मार्ट पावर सेंसर, जो भी आप मीटर यूज कर रहे हैं, या फिर स्मार्ट लॉगर वाले सिनेरियो में आपका स्मार्ट पावर सेंसर जो होता है, मीटर जो होता है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके स्मार्ट लॉगर को, फिर स्मार्ट लॉगर की तरफ से कमांड जाती है टुवर्ड्स द इन्वर्टर, तो फिर वो उस हिसाब से जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं वो उस हिसाब से आपका जो होता है लिमिटेशंस को अप्लाई करता है। हेलो आमिर साहब, आपको आवाज आ रही है? एक बार तो फिर मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिस तरह लाइक आमिर सिद्दीकी एंड तैमूर बिलाल, इनके पास आवाज़ नहीं आ रही। मुझे एक मतलब लास्ट टाइम कंफर्मेशन दे दें कि काइंडली आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। मोहम्मद उस्मान अवान, वॉइस इज क्लियर।
क्लियर एहसान अली वाइस क्लियर। थैंक यू जी, थैंक यू। अब जो है मैं मैसेजेस की तरफ नहीं जाऊंगा, तो आई नो के मे बी काइंडली चेक योर इंटरनेट और चेक योर हैंड्रीज, तो आप देख लें कि आपके पास आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा। आप दोबारा कनेक्ट करें आमिर साहब, आमिर सिद्दीकी साहब, आप दोबारा कनेक्ट कर लें। ये डिफरेंट एप्लीकेशन सिनेरियोज हैं जीरो एक्सपोर्ट कंट्रोल के। क्लोज लूप कंट्रोल, जब भी आप सिंगल फेस इन्वर्टर, सिंगल इन्वर्टर आपका यूज हो रहा है, नॉट सिंगल फेस इन्वर्टर, जब भी आपके सिस्टम में रेजिडेंशियल क्लाइंट है या फिर इंडस्ट्रियल, आपका क्वांटिटी ऑफ इन्वर्टर 1 है सिस्टम के अंदर, जो उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है वो 2 सेकेंड्स होता है। जब भी आपके इन्वर्टर्स फ्रॉम 2 to 10 मीन्स के 2 से ज्यादा हैं, आइदर WLAN डैश FE या 4G डोंगल वाले सिनेरियो में, तो फिर आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो 5 सेकेंड्स होगा जब भी आप डोंगल्स यूज करेंगे और आपके इन्वर्टर्स की क्वांटिटी इज मोर देन 1, ठीक है। और जैसा कि आपको आइडिया है कि जो स्मार्ट डोंगल्स हैं वो मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ डिवाइसेस को सपोर्ट करती हैं, और स्मार्ट लॉगर वाले केस के अंदर आइदर आपका क्या कहते हैं सिंगल डिवाइस हो या फिर मल्टीपल डिवाइसेस हो, तो आपके पास जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो 2 सेकेंड्स ही रहता है। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं मीटर्स की कि आपने कौन सा मीटर आप यूज कर सकते हैं। उसकी जो सैम्पलिंग एक्यूरेसी होती है दैट इज लेस देन 1%, और जो उसका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो मोडबस RTU होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आपके स्मॉल रेजिडेंशियल इन्वर्टर्स फ्रॉम 3 kW अप टू 10 kW और स्मॉल कमर्शियल इन्वर्टर्स फ्रॉम 12 kW अप टू 20 kW या फिर 50 और 60 kW, इनके साथ DTSU666H जो स्मार्ट पावर सेंसर जो हुआवे सप्लाई करता है वो डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हैं विद इन्वर्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्मार्ट पावर स्मार्ट लोगर यूज कर रहे हैं और आपके सिस्टम की साइज इज मोर देन 170 kW और आप थर्ड पार्टी मीटर यूज करना चाह रहे हो, मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूंगा, वो जो है लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी उनके रजिस्टर्ड की मैपिंग हुई हुई है, तो आपको मैपिंग करनी नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, कोई दूसरा मीटर है लाइक शनाइडर, कोई सा अगर आप मीटर परचेज करते हैं वो मैन्युफैक्चरर कहता है कि ये मीटर सपोर्ट करता है जीरो एक्सपोर्ट को, तो फिर आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक लेंदी प्रोसेस होता है। पहले आप हुआवे के साथ उसका डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, फिर आपको हुआवे अप्रूवल देगा, तो उसके बाद एटलीस्ट 1 or 2 weeks का प्रोसेस होता है। फिर आपको डिफिकल्टी ये होती है कि आपको हर दफ़ा उसकी रजिस्टर मैपिंग करवानी पड़ती है मोडबस RTU के, मैप करवा के फिर जो है आप उस मीटर को कॉन्फिगर कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ये अवेलेबल मीटर्स हैं जो हुआवे खुद सप्लाई करता है। सिंगल फेस सिनेरियो के अंदर आपका हुआवे DTSU666H सिंगल फेस एप्लीकेशन के लिए, इसी तरह 3 फेस एप्लीकेशन के लिए DTSU666H 250 Ampere/50 mA 3 फेस थ्री फेस सिनेरियोस के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, डिफरेंट दूसरे मैन्युफैक्चरर्स जैसे हुआवे के अलावा दूसरे लोग भी DTSU666H ही मीटर देते हैं, चिंट की जो डिवाइस होती है, लेकिन इसमें एक दूसरा मॉडल आता है 100 Ampere/40 mA, वो हुआवे के इन्वर्टर्स के साथ कंपेटेबल नहीं है। अगर आपको कोई सप्लायर वो मीटर सप्लाई करता है तो काइंडली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो मीटर परचेज ना करें, वो आपका मीटर आपकी साइट के ऊपर काम नहीं करेगा। नंबर ऑफ कनेक्टेड इन्वर्टर्स, सिंगल इन्वर्टर डेफिनेटली एक इन्वर्टर होगा, डोंगल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 to 10 मैक्सिमम 10 डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स टाइम 5 सेकेंड्स होगा, और स्मार्ट लॉगर जो 3000A है वो मैक्सिमम 80 नंबर ऑफ डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। इसी तरह स्मार्ट लॉगर 3000B जो है वो 200 डिवाइसेस और 150 नंबर ऑफ इन्वर्टर्स को सपोर्ट करता है। ये कुछ इन्वर्टर्स हैं जिसके साथ स्मार्ट पावर सेंसर जो हुआवे का है वो कंपेटेबल है। मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा, ये आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगी, अगर आपका कोई भी कंसर्न हो तो आप डायरेक्टली ईमेल के ऊपर रीच कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। और दूसरा, एट द एंड मैं अपना ईमेल एड्रेस चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दूंगा। सिस्टम कमिश्निंग ऐप, फ्यूजन सोलर एप्लीकेशन, आप हर एक सिनेरियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं, फ्यूजन रेजिडेंशियल सिनेरियो, कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल या फिर यूटिलिटी स्केल, एक ही एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको आपने प्रीवियस डेज के अंदर देखा होगा कि फ्यूजन सोलर अभी अपग्रेड होने लगा है 7.0 के ऊपर, तो उसकी न्यू एप्लीकेशन भी अवेलेबल होगी सून। वन सिंगल फेस इन्वर्टर पावर कंट्रोल बाय इन्वर्टर, आपका जो स्मार्ट पावर सेंसर है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसका जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो मोडबस RTU, आप डायरेक्टली स्मार्ट पावर सेंसर को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे जब भी आपका इन्वर्टर डोंगल वाला सिनेरियो होगा। RS-485 कम्युनिकेशन पोर्ट्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि 3 फेज के अंदर किस पोर्ट के ऊपर आपने मीटर कनेक्ट करना होता है। सिंगल फेज के लिए जैसे मैंने आपको बताया DTSU666H और 3 फेज एप्लीकेशन के लिए DTSU666H 250 Ampere/50 mA। यहाँ पर अमूमन काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि अगर लेट सपोज कि हमारा जिस पॉइंट के ऊपर हमने कंट्रोलिंग करनी है वहाँ पे
एम्पेयर जो कनेक्टेड लोड है वो इज मोर देन 250 एम्पेयर, मीन्स के 170 किलोवाट से ज़्यादा है, तो क्या हम सिटीज को रिप्लेस कर सकते हैं जो मीटर के साथ सप्लाई होती हैं? अगर उसको हम रिप्लेस करके लोकल मार्केट से सिटीज ले लें तो उसका जवाब नो है, आप उस सिटीज को रिप्लेस नहीं कर सकते। आपने मेक श्योर करना है, उसका एक स्पेसिफिक डायो होता है, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी केबल वहाँ पे लगी हुई है तो वो सिटीज उसके अंदर फिक्स इन हो जाए। अगर फिक्स इन नहीं होती तो फिर आपको थर्ड पार्टी मीटर के ऊपर जाना पड़ेगा, वो लिस्ट इन स्लाइड्स के अंदर, कमिंग स्लाइड्स के अंदर आपको नजर आएगी कि कौन से मीटर्स जो है वो कंपेटेबल है। मैं कनेक्शन डायग्राम आपको 3 फेज, क्योंकि ज्यादा एप्लीकेशन होती हैं, उसका इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सेम जो कॉन्सेप्ट है वो आप सिंगल फेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 फेज, अच्छा 3 फेज जो हुआवे के स्मार्ट पावर सेंसर है, जैसे मैंने आपको बताया उसकी लिमिटेशन है 170 किलोवाट। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे कनेक्टेड लोड है 500 किलोवाट, ठीक है, और मेन बस बार पे आप जो है जीरो एक्सपोर्ट लिमिटेशन अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वहां पर आप हुआवे के स्मार्ट पावर सेंसर नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वर्टर तो 60 किलोवाट का लगाया हुआ है और 70 किलोवाट की पीवी लगाई हुई है, लेकिन जिस इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने लिमिटेशन अप्लाई करनी है वहां पे जो लोड है, वहां पे जो करंट रेटिंग है उस बस बार के ऊपर, दैट शुड नॉट बी मोर देन 250 एम्पेयर, 250 एम्पेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो फिर आपको थर्ड पार्टी मीटर पे जाना पड़ेगा। आपको एसी आउटपुट नहीं देखना है इन्वर्टर का, आपने लोड देखना है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने जीरो एक्सपोर्ट लिमिटेशन अप्लाई करनी है वो पॉइंट देखना है, वो उस पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड लोड मोर देन 170 किलोवाट नहीं होना चाहिए। अभी राइट हैंड साइड पे कनेक्शन डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जब भी आपने स्मार्ट पावर सेंसर कनेक्ट करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो फेज सीक्वेंस है वो करेक्ट होना चाहिए। अमूमन कस्टमर्स काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि उसका उनका जो मीटर है वो रीडिंग सही नहीं दे रहा। होता क्या है, आपका सोलर, आप देखेंगे फ्यूजन सोलर के ऊपर कुछ इस तरह की आपके पास रीडिंग्स आती हैं, आपका पीवी की तरफ से 0 किलोवाट, सोलर कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा, 0 किलोवाट लोड, स्टिल आपको ऐसा एरो डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्रिड बैक फीड हो रहा होगा, 10 किलोवाट जा रहा है। तो ये जो होता है ये आपने कनेक्शन ठीक से नहीं किए होते, आपने फेज सीक्वेंस के हिसाब से जो है कनेक्शन नहीं किए हुए होते। आपने किस पॉइंट के ऊपर सिटीज कनेक्ट करनी है, लेट सपोज कि आपके सिस्टम कराची के अंदर लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो कंज्यूमर का रेजिडेंशियल कस्टमर है, जो कि इलेक्ट्रिक का मीटर है, जो उसका मेन केबल आ रहा है टूवर्ड्स द मेन ब्रेकर, जो उसका मेन ब्रेकर के ऊपर जो मेन ब्रेक के वायर आ रही है मीटर से निकल के, आपने उसके इनकमिंग पे लगाना है और उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द लोड होनी चाहिए। कोई भी फेज सीक्वेंस हो, लेट सपोज लेफ्ट टू राइट, आपने ब्रेकर के सामने जो मेन ब्रेकर है उसके सामने खड़े होकर लेफ्ट टू राइट आपने देखना है, आपने कोई कलर नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर कलर के हिसाब से हुआ है तो बहुत आसान होगा आपके इंस्टॉलर के लिए उसको फेज सीक्वेंस के हिसाब से लगाने के लिए। अगर आपके कलर का मसला है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूट जो वहाँ का वायरिंग वाला पर्सन था इलेक्ट्रिशियन, उसने एक ही कलर की वायर यूज की हुई है, फॉर एग्जाम्पल कि चारों के चारों वायर्स ब्लैक कलर के हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, रेड पे भी ब्लैक है, येलो पे भी ब्लैक वायर यूज हुआ हुआ है, और ब्लू पे भी ब्लैक वायर यूज हुआ हुआ है, न्यूट्रल के ऊपर भी ब्लैक वायर यूज हुआ हुआ है, तो उसके लिए सिंपल ये है कि आपने मेन ब्रेकर के फ्रंट पे खड़े हो जाना है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो पहला पोल है वो आपका, आप उसको अज्यूम कर लेंगे लाइन 1 दैट इज योर रेड, लाइन 2 आपका येलो है, लाइन 3 आपका ब्लू है, तो वहां से आपने रेफरेंस लेके फिर सारे के सारे कनेक्शंस, आपका जो इन्वर्टर का L1 L2 AC कनेक्टर है वहां पे भी आपने मेक श्योर करना है कि जो मेन ब्रेकर के ऊपर आपका फेज सीक्वेंस है वही फेज सीक्वेंस आपका इन्वर्टर के कनेक्शंस का होना चाहिए, उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपकी सीटीज होनी चाहिए। दूसरा कस्टमर्स कहते क्या है कि आपने वोल्टेज रेफरेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप के ऊपर 369, असल में जो स्मार्ट पावर सेंसर है अगर आप उसके कलर के ऊपर जाएं तो सबसे लेफ्ट पे येलो दिया हुआ है, फिर ग्रीन दिया हुआ है, फिर रेड दिया हुआ है, फिर न्यूट्रल दिया हुआ है, आपने कलर को फॉलो नहीं करना स्मार्ट पावर सेंसर के, उसके ऊपर क्लियरली मेंशन हुआ हुआ है UA UB UC एंड न्यूट्रल। UA मींस कि आपका लाइन 1, UB लाइन 2, UC लाइन 3, तो आपने जो आपने पहला लाइन है वहां से रेफरेंस देना है पॉइंट नंबर 3 पे, जो दूसरा लाइन है वहां से देना है पॉइंट नंबर 6 पे, जो तीसरा लाइन है उस पर आपने रेफरेंस देना है 9 के ऊपर। एक चीज तो ये हो गई आपका वोल्टेज रेफरेंस। दूसरा अक्सर इंस्टॉलर्स करते क्या, 3 के अंडर में जो लाइन 1 है उसके अंडर में जो सीटीज होती हैं वो लाइन 1 पे आपने जाके कनेक्ट करनी है। अक्सर कस्टमर्स करते क्या है, लाइन 1 की आपने रेफरेंस दिया लाइन 1 पे, उसका सीटी आपने लगा दिया लाइन 2 पे, मिक्सअप कर देते हैं, तो तब भी आपके पास करेक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी, तो इन चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है। मल्टीपल इन्वर्टर्स सिनेरियो, अगर आप स्मार्ट डोंगल यूज कर रहे हैं, लेट सपोज आपके 5 नंबर ऑफ इन्वर्टर्स हैं, 20 किलोवाट, 60, 36, मिक्सअप आपने सिस्टम में लगाया हुआ है, तो जो आपका मास्टर इन्वर्टर होगा जिसके ऊपर आपने स्मार्ट डोंगल आइदर WLAN-FE या फिर 4G डोंगल लगाया, उसके साथ आपका
स्मार्ट पावर सेंसर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे 60 KTL की एग्जाम्पल है। इसका जो 24 एंड 25 नंबर पे जो कम्युनिकेशन का पोर्ट होता है RS485A एंड RS485B ऑफ मीटर, ये आपका कनेक्ट होगा जो RS485 के टर्मिनल्स होते हैं फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। RS485-2 जिसे कहते हैं, 5, 6, 7, 8, आपने 5 एंड 7 पे कनेक्ट करना होगा अगर आप 60 KTL यूज कर रहे हैं और स्मार्ट पावर सेंसर डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। मीटर का RS485 डायरेक्टली कनेक्ट होगा इन्वर्टर के पोर्ट नंबर 5 के ऊपर। मीटर का RS485B जो कनेक्ट होगा इन्वर्टर के पोर्ट नंबर 7 के ऊपर अगर आप 60 KTL यूज कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आपका कोई रेजिडेंशियल इन्वर्टर है लाइक 10 KTL या 20 KTL, उस सिनेरियो में RS485 ऑफ मीटर जो है वो कनेक्ट होगा पोर्ट नंबर 7 के ऊपर, RS485B जो है वो कनेक्ट होगा पोर्ट नंबर 9 के ऊपर। ठीक है, आपने मेक श्योर करना होता। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कुछ इस तरह की एप्लीकेशन है कि आपने इन्वर्टर लगाया हुआ है स्टेट टावर के ऊपर ऊपर और आपका इंजेक्शन पॉइंट है नीचे की तरफ अराउंड 50 to 60 feet अवे फ्रॉम इन्वर्टर, 50-60 feet इन्वर्टर से दूर है। तो उस सिनेरियो में मैंने काफी देखा है कस्टमर करते क्या है, जहाँ पे इन्वर्टर्स होते हैं वहां पर ही अपना स्मार्ट पावर सेंसर लगाते हैं सारी चीजें वहां पे, और आपको पता है कि 15 फीट या 10 फीट तक की जो सीटीज की वायर होती है वो सप्लाई होती है मीटर के साथ। तो कस्टमर करते हैं क्या है, सीटीज की वायर को लंबा लेके जाते हैं, कम्युनिकेशन जो कैट 5 केबल होती है, एक दो मैंने सिनेरियो इस तरह देखे तो वहां पे मीटर काम नहीं करता। उन्होंने किया क्या हुआ था कि जो सीटीज की केबल्स थी वो आपने लंबी चलाई हुई है नीचे 60 फीट दूर तक कैट 5 केबल के थ्रू। आपने इस तरह नहीं करना, आपने हमेशा जो स्मार्ट पावर सेंसर है वो आपने इंजेक्शन पॉइंट जहाँ पे आपका मेन ब्रेकर है वहां पर लगाना है। आप कम्युनिकेशन केबल को जो सप्लाई होती है इन्वर्टर जो मीटर के साथ वो 15 फीट की होती है, 5 मीटर्स की। ठीक है, तो आप कम्युनिकेशन केबल को लंबा चला सकते हैं, ना कि सीटीज के वायर को लंबा चलाना रिकमेंडेड नहीं है। हमेशा आपने कम्युनिकेशन केबल आप कैट 5 या फिर कैट 6 की केबल यूज कर सकते हैं जब भी आपका डिस्टेंस जो है 100 मीटर से कम हो। जब भी आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिकमेंडेड जो केबल है वो है RS485, जो कम्युनिकेशन केबल आती है आप वो यूज कर सकते हैं, उसकी जो रेंज है दैट इज 1000 मीटर्स। मल्टीपल इन्वर्टर्स प्रीवियस स्लाइड से सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी आपके मल्टीपल इन्वर्टर्स होंगे और आप स्मार्ट अगर यूज कर रहे हैं तो आपका जो स्मार्ट मीटर है वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा आपके स्मार्ट लॉगर के साथ। स्मार्ट लॉगर 3000A यूज कर रहे हैं, COM1, COM2, COM3, आप किसी भी कॉम के ऊपर उसको मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। RS485A जो मीटर का होगा वो जाएगा कॉम, लेट सपोज आपने पिक किया कि कॉम 1 के ऊपर कनेक्ट करना है तो कॉम 1 के ऊपर पॉजिटिव के ऊपर आपका RS485 चला जाएगा, कॉम 1 के नेगेटिव के ऊपर आपका RS485B जो होगा मीटर का वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने मीटर हमेशा कॉम 1 पे लगाना है या कॉम 2 पे या कॉम 3 पे, इट्स योर चॉइस। ठीक है जी, अच्छा, जब भी आप सिस्टम को कमीशन करने लगते हैं जो डिवाइस डिटेक्शन का जो सेकंड स्टेप होता है सेटिंग्स के अंदर, पहले स्टेप में आप गेट कोड्स और टाइम्स वगैरह स्पेसिफाई कर लेते हैं, दूसरे स्टेप में आपके जितने भी डिवाइसेज हैं, फॉर एग्जांपल आपका स्मार्ट पावर मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट डोंगल, डेबीलैंड, एशाफी लगी हुई है, इन्वर्टर है, तो आपके पास ग्रीन कलर का चेक आ रहा होता है। आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि सब डिवाइसेज के ऊपर आपके ग्रीन कलर का चेक है, मीन्स कि आपके डिवाइसेज सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिए हैं और वो बिल्कुल ठीक तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, और रेजिडेंशियल सिनेरियो के अंदर आपके जो मीटर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। अगर आपके ग्रे कलर का चेक आता है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके कनेक्शंस के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपने कनेक्शन दोबारा से चेक करना है कि आपने कनेक्शंस ठीक किए हुए हैं या नहीं किया हुआ। अच्छा, कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं, स्टार्ट में आपने सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, आपके पास स्टॉक के अंदर स्मार्ट पावर सेंसर नहीं था और 15 दिन के बाद आपने सिस्टम कमीशन कर दिया, आपने इंस्टॉल कर दिया ईच एंड एवरीथिंग। 15 दिन के बाद आप जाते हो स्मार्ट पावर सेंसर लगाने के लिए, तो आप स्मार्ट पावर सेंसर को मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो। आप जाएंगे सबसे पहले मेंटेनेंस के ऑप्शंस के अंदर, उसके बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ऐड स्लैश डिलीट डिवाइस, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके नीचे आपके एक ऑप्शन नजर आएगा पावर मीटर, पावर मीटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप मीटर का मॉडल सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो हुआवे के स्मार्ट पावर सेंसर का जो एड्रेस होता है वो 11 होता है, तो आपने 11 सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर जो सप्लायर होता है या कस्टमर बाय मिस्टेक और या फिर उसने एड्रेस उसका मीटर का चेंज किया होता है, तो जो स्मार्ट पावर सेंसर होता है उसका अपने एक डिस्प्ले होता है,
उसके एरोज के ऊपर आप चेंज करते जाएंगे तो वहां पे आपको एड्रेस लिखा हुआ आएगा कि 11 है। आप वहां से डबल चेक कर सकते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर, इस स्मार्ट पावर सेंसर के अंदर डिफॉल्ट एड्रेस क्या है। अगर 11 है तो आपने 11 पुट इन करना है। अगर लेट सपोज कि आप 11 पुट इन नहीं करते और आपका मीटर ऐड नहीं हो रहा, तो आपने फिर दोबारा मीटर के पास जाना है, उसका एड्रेस चेक करना है। कभी कभार होता है क्या है कि एड्रेस चेंज हुआ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 19 सेट हुआ हुआ है या 20 हुआ हुआ है, तो यहाँ पे एड्रेस आपने 20 देंगे तो आपका मीटर ऐड हो जाएगा। कंट्रोल पावर एक्सपोर्ट कंट्रोल सेटिंग इन फ्यूजन सोलर एप्लीकेशन। जब आपने मीटर को सक्सेसफुली ऐड कर दिया, उसके बाद आपने कंट्रोल सेटिंग्स भी अप्लाई करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने मीटर ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जीरो एक्सपोर्ट कंट्रोल है वो एनेबल हो जाता है। नहीं, मेन पेज के ऊपर आप पावर एडजस्टमेंट के ऊपर, ग्रिड टाइप पॉइंट कंट्रोल के ऊपर आप जाएंगे। जैसे आप ग्रिड टाइप पॉइंट कंट्रोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, आपसे पासवर्ड पूछेगी। इसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड है दैट इज पेंटा 0 फॉलोड बाय स्मॉल a, 5 दफा 0 और छोटा है। आप कंफर्म कर देंगे एक्टिव पावर कंट्रोल के ऊपर। यहाँ पर फिर आपके पास कंट्रोल मोड्स डिफरेंट आएंगे। ग्रिड कनेक्टेड विद जीरो एक्सपोर्ट, ग्रिड कनेक्टेड डिफरेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाऊंगा। तो फिर आपने किस तरह, किस कंट्रोल मोड्स के ऊपर आप क्या चीज अचीव कर सकते हैं, ये डिफरेंट कंट्रोल मोड्स हैं। अनलिमिटेड, ग्रिड कनेक्टेड विद जीरो पावर, जब भी आपने जीरो एक्सपोर्ट लिमिटेशन अप्लाई करनी है तो आपने ये वाला मोड सेलेक्ट करना है, सेकंड वन, ग्रिड कनेक्टेड विद जीरो पावर। पावर लिमिटेड ग्रिड कनेक्टेड, यहाँ पर आप डिफाइन करते हो कि आप लिमिट कर देते हो कि आपके इन्वर्टर ने कितना प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्टली लिमिट करना चाह रहे हो, इन्वर्टर 20 किलोवाट का इन्वर्टर है, आपके पास स्मार्ट पावर मीटर नहीं लगा हुआ और आप उसको लिमिट करना चाह रहे हो 3 किलोवाट पे, तो उसकी डायरेक्टली लिमिटेशन हो जाती है, वो कभी भी उस लिमिटेशन से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा। ग्रिड कनेक्टेड विथ जीरो पावर, जीरो एक्सपोर्ट कंट्रोल, क्लोज लूप कंट्रोलर सिलेक्टिंग। जब भी आप, जब यहाँ पे एक्टिव पावर कंट्रोल के अंदर ग्रिड कनेक्टेड विद जीरो पावर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी डिटेल। उसमें आपने क्लोज लूप कंट्रोलर डिफाइन करना होता है। यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, वन ऑप्शन वन जो होता है वो होता है इन्वर्टर, दूसरा ऑप्शन होता है स्मार्ट डोंगल स्लैश स्मार्ट लोकेट। जब भी आपके इन्वर्टर्स की क्वांटिटी 1 होगी तो आपने इन्वर्टर सेलेक्ट करना है। जब भी आपके इन्वर्टर्स की क्वांटिटी इज मोर देन 1 तो आप सेकेंड ऑप्शन दैट इज स्मार्ट डोंगल स्लैश स्मार्ट लोकेट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर रिस्पॉन्स टाइम डिपेंड करता है। जीरो एक्सपोर्ट कंट्रोल सेटिंग सिंगल फेज, मैं आपको इन डिटेल 3 फेज दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस स्लाइड को मैं स्किप कर रहा हूँ। लिमिटेशन मोड, टोटल पावर लिमिटेशन मोड, यहाँ पर आप आ गए। आपने पहले ग्रिड कनेक्टेड विद जीरो एक्सपोर्ट सेलेक्ट कर लिया, सेकंड में क्लोज लूप कंट्रोलर, अगर आपका सिंगल इन्वर्टर है आपने इन्वर्टर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे लिमिटेशन मोड के ऊपर दो मोड्स होते हैं, टोटल पावर, सिंगल फेज कंट्रोल मोड। आपने हमेशा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने सिंगल फेज कंट्रोल मोड ही अप्लाई करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों मोड्स किस तरह काम करते हैं। पहले टोटल पावर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। टोटल पावर, लेट सपोज कि आपके फेज ए के ऊपर लोड डिमांड है 1 किलोवाट, टू के ऊपर 2 किलोवाट, फेज सी के ऊपर है आपके लोड डिमांड है 3 किलोवाट। इन टोटल जितना आपका लोड डिमांड है उतना इन्वर्टर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। मीन्स कि आपके पास 1 + 2 + 3 दैट इज 6 किलोवाट, टोटल 6 किलोवाट हो गया। इन्वर्टर खुद को लिमिट करेगा 6 किलोवाट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट होगा कि जितने भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं वो हमेशा इक्वली आउटपुट देते हैं हर एक फेज के ऊपर। 6 किलोवाट मीन्स के 6 किलोवाट हर एक फेज के ऊपर दो 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 किलोवाट देगा इन्वर्टर। तो जब आपका 2 किलोवाट आएगा सोलर की तरफ से, लोड डिमांड थी 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आपका लोड की तरफ चला गया, 1 किलोवाट एक्सपोर्ट हो गया। फेज टू के ऊपर लोड डिमांड थी 2 किलोवाट, 2 किलोवाट सोलर से हुआ, आप कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे। फेज सी के ऊपर 3 किलोवाट लोड डिमांड थी, 2 किलोवाट आपके सोलर की तरफ से, स्टिल 1 किलोवाट लोड रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी आपकी ग्रिड की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 किलोवाट फेज ए से एक्सपोर्ट हो रहा है, 1 किलोवाट फेज सी से इम्पोर्ट हो रहा है। यहाँ पर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये मोड, इसमें इस मोड में होता है ये है कि आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आपका एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आपने मोड अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जब तक आपकी नेट मीटरिंग नहीं हुई हुई तो स्टिल आपके ऊपर ही ये जो एक्सपोर्ट वाले यूनिट्स हैं आपके ऊपर हिट हो रहे होंगे, आपकी सेविंग नहीं होगी। आपने हमेशा सिंगल फेज कंट्रोल मोड को सिलेक्ट करना है। सेकेंड एग्जाम्पल, सिंगल फेज कंट्रोल मोड, सेम लोड प्रोफाइल है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। सिंगल फेज कंट्रोल मोड किस तरह काम करता है, जिस फेज के ऊपर सबसे लोएस्ट रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर सबसे कम डिमांड है फेज 1 के ऊपर,
1 किलोवाट उसका 3 टाइम्स इन्वर्टर प्रोड्यूस करता है, ताकि हर एक फेस के ऊपर इक्वली डिवाइड हो, 1 किलोवाट 1 किलोवाट 1 किलोवाट। आप 0 किलोवाट इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा 1 किलोवाट, यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फेस सी के ऊपर 2 किलोवाट। यहाँ पर इन्वर्टर मेक श्योर करता है, सिस्टम आपका मेक श्योर करता है किसी भी फेस से आपका बैकफीड ना हो, ठीक है। अच्छा, आपने आपने कंफर्म किस तरह करना है कि मैंने मोड जो सिंगल फेस मोड अप्लाई किया है वो वर्किंग सही कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, या टोटल फेस अप्लाई हुआ हुआ है या सिंगल फेस। जब भी आप फ्यूजन सोलर के ऊपर प्लांट मॉनिटरिंग में जाते हैं, वहाँ पर मीटर का सिंबल बना हुआ होता है, आप मीटर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर हर एक फेस के ऊपर वैल्यूज आ रही होती हैं। अगर आपकी वैल्यूज नेगेटिव के ऊपर हैं, करंट्स और एक्टिव पावर्स जो हैं, लेट सपोज फेस ए के ऊपर -2 किलोवाट, फेस सी के ऊपर -1 किलोवाट, फेस सी के ऊपर -500 वोल्ट, लाइक दैट। अगर आपकी सारी वैल्यूज नेगेटिव के अंदर है, मीन्स कि आप इन फेजेस के ऊपर इम्पोर्ट कर रहे हो ग्रिड से। अगर किसी भी एक फेज के ऊपर आपकी वैल्यू पॉजिटिव के ऊपर है, पॉजिटिव लेट सपोज पॉजिटिव 5 किलोवाट, फिर आपका -3 किलोवाट, -2 किलोवाट, मीन्स कि जिसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, मीन्स कि आप उतनी वैल्यू टूवर्ड्स द ग्रिड एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हो कि आपकी लिमिटेशंस जो आपने की हैं तो वो आपकी ठीक से अप्लाई हुई हैं या नहीं हुई। ये रिस्पॉन्स टाइम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपका सिंगल इन्वर्टर होगा रिस्पॉन्स टाइम इज 2 सेकेंड्स, अगर आपके मल्टीपल इन्वर्टर्स हैं और आप डोंगल्स यूज कर रहे हो अप टू 10 नंबर ऑफ इन्वर्टर, आपका रिस्पॉन्स टाइम 5 सेकेंड्स है। और अगर आप स्मार्ट लॉगर यूज करते हो आइदर सिंगल इन्वर्टर या फिर मल्टीपल इन्वर्टर, जो रिस्पॉन्स टाइम होता है 2 सेकेंड्स होता है। मीन्स के इन्वर्टर की जो स्मार्ट पावर सेंसर इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके विद इन दिस मच सेकेंड्स आपका जो है कंट्रोलिंग सिस्टम आपका रिएक्ट करता है, ठीक है। पावर लिमिट ग्रिड कनेक्शन, अच्छा यहाँ पर आप डायरेक्टली ग्रिड है पॉइंट लिमिट, यहाँ पे आप लिमिट लिमिटेशन अप्लाई कर देते हो कि कितनी आप लिमिट सेट करना चाह रहे हो कि आपका सिस्टम टूवर्ड्स द ग्रिड एक्सपोर्ट करे, ठीक है। एक्सपोर्ट लिमिटेशन, इसमें जो सैम्पलिंग कंट्रोल एक्यूरेसी होती है वो ±5% होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिमिटेशन अप्लाई की कि 2 किलोवाट मेरा आप परमिट करते हो सिस्टम को कि वो एक्सपोर्ट कर सकता है टूवर्ड्स द ग्रिड, यहाँ पे 3 किलोवाट लिमिट थी, स्टिल आपका सोलर इतना प्रोड्यूस कर सकता था, पीवी वाज इनफ कि आपका सिस्टम 5 किलोवाट आउटपुट दे सके। तो 3 किलोवाट आपके लोड को फीड इन हो जाएगा, 2 किलोवाट आपके ग्रिड को चला जाएगा एज पर जो आपने सेटिंग्स अप्लाई की हुई है कि आप इतना अलाउ करते हो कि इतना बैक फीड हो जाए टूवर्ड्स द ग्रिड। ओपन लूप कंट्रोल, जिसका मैंने आपको बताया, इसमें आपको मीटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इन्वर्टर का आउटपुट किस तरह लिमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन लूप कंट्रोल में सिर्फ आपका इन्वर्टर है, लोड है और ग्रिड है, यहाँ पे कोई आपका स्मार्ट पावर सेंसर या फिर कोई मीटर यूज नहीं हो रहा। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, सेम आप जाएंगे पावर एडजस्टमेंट के अंदर, एक्टिव पावर कंट्रोल के अंदर आपको ऑप्शंस नजर आएंगे, कंट्रोल ऑफ एक्टिव पावर बाय परसेंटेज बाय फिक्स लिमिटेशंस एक्स वाई जेड, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि इन दो मोड्स के थ्रू आप किस तरह आप अपने इन्वर्टर का आउटपुट लिमिट कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंस जो है क्लोज लूप कंट्रोल में और ओपन लूप कंट्रोल में ये है कि जब भी आप क्लोज लूप कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट पावर सेंसर कर रहे होते हो तो आपकी जो लिमिटेशन होती है वो विद रिस्पेक्ट टू द लोड हो रही होती है, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल में आपकी जो लिमिटेशन इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो फिक्स लिमिट हो जाता है एज पर द सेटिंग्स। लेट सपोज कि अगर आपने फिक्स लिमिटेशन अप्लाई कर दी 5 किलोवाट पे और पीक टाइम है दोपहर के 2 बज रहे हैं, आपका सोलर लोड डिमांड है 10 किलोवाट, सोलर भी आपका 10 किलोवाट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ओपन लूप कंट्रोल में जब आपने फिक्स लिमिटेशन कह दी 5 किलोवाट, तो आपका इन्वर्टर कभी भी 5 किलोवाट से ऊपर नहीं जाएगा। मीन्स के विद रिस्पेक्ट टू द लोड वो रिएक्ट नहीं करता, वो डायरेक्टली जो आपने उसके अंदर सेटिंग अप्लाई की हुई होती है वो उस हिसाब से अपने आउटपुट को लिमिट करता है। डीरेटेड बाय एक्टिव पावर, जिस तरह आपका नेम से क्लियर हो रहा है कि आपने बाय परसेंटेज, यहाँ पे आप बाय परसेंटेज लिमिट कर दोगे। लेट सपोज कि आप चाहते हो कि आपका जो मैक्सिमम आउटपुट पावर है आपके इन्वर्टर की उसका 50%। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी हुआवे के इन्वर्टर्स हैं, आइदर रेजिडेंशियल कमर्शियल जो भी इन्वर्टर है, 5 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट, 60 किलोवाट, वो 10% एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60 किलोवाट, 60 किलोवाट मैक्सिमम आपको 66 किलोवाट दे सकता है अंडर सर्टेन टेम्परेचर्स, एम्बियंट टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपको हर एक इन्वर्टर का डीरेटिंग कर्व चाहिए कि कितने टेम्परेचर के बाद जाके ये कितना डीरेट होता है, तो वो आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। कहने का मकसद ये है कि आपने जो परसेंटेज लिमिटेशन देनी है 66 का आप परसेंटेज लगाएंगे 50। अगर आप लेट सपोज कि
33 किलोवाट को लिमिट करना चाह रहे हो 60 को, तो आप 50% पे जब लिमिट करेंगे वो 30 किलोवाट नहीं होगा, वो 33 किलोवाट होगा, क्योंकि 10 किलोवाट वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सकता है. तो आपके इन्वर्टर का जो मैक्सिमम आउटपुट होगा 60 किलोवाट का, दैट विल बी 66 किलोवाट, नॉट 60. इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका 6 किलोवाट इन्वर्टर है, ये मैक्सिमम 6.6 किलोवाट दे सकता है. जब आपने लिमिटेशन अप्लाई की 50% के ऊपर, तो ये 3.3 किलोवाट. अच्छा, लिमिटेशन ये इसके एसी आउटपुट की है, नॉट डीसी, ठीक है? तो जो भी लिमिटेशन आपकी अप्लाई होगी वो एसी आउटपुट के हिसाब से होगी, एसी रेटिंग ऑफ योर इन्वर्टर. इसी तरह कंट्रोल ऑफ एक्टिव पावर बाय फिक्स्ड वैल्यू. यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई से भी नंबर, लेट सपोज कि आप फिक्स करना चाह रहे हो 6 किलोवाट इन्वर्टर को 3 किलोवाट पे, तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली 3 किलोवाट इनपुट कर दिया, तो आपका जो इन्वर्टर है वो लिमिट हो जाएगा 3 किलोवाट पे. ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो लोड विथ रिस्पेक्ट टू द लोड नहीं होता. अगर आपने लोड प्रोफाइल चेक कर लिया है कस्टमर का, क्या आपने फिगर आउट कर लिया कि किसी भी फेज पे उसका जो लोड है, लेट सपोज 1 किलोवाट से ऊपर जाता ही नहीं है, आपने पावर एनालाइजर लगा के 1-2 दिन के लिए उसका लोड प्रोफाइल की स्टडी कर ली और आपने फिगर आउट कर लिया कि इन कस्टमर का लोड जो है इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं जाता, तो आप फिर 3 किलोवाट तो आपने फिक्स कर दिया, तो हर एक फेज पे 1-1 किलोवाट जा रहा होगा. मीन्स कि आपको ऑलरेडी आपने स्टडी की है कि उसका कस्टमर का जो लोड है वो हर एक फेज पे 1 किलोवाट से कभी भी ज्यादा नहीं जाता, ठीक है, कभी भी कम नहीं जाता, सॉरी कम नहीं जाता, तो फिर आप 3 किलोवाट के ऊपर लिमिट कर देंगे. अगर दूसरा ये है कि आपका अगर किसी भी अनबैलेंस कंडीशन के ऊपर आपने 3 के ऊपर कर दिया फिक्स, और किसी भी, फॉर एग्जाम्पल, एक के ऊपर लोड है 0.5 किलोवाट, दूसरे के ऊपर 1, तीसरे के ऊपर 1, तो जो जिसके ऊपर 0.5 है, डेफिनेटली वहां से 0.5 किलोवाट आपका गेट की तरफ एक्सपोर्ट हो रहा होगा. रिपल कंट्रोल, थोड़ा सा मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दूंगा. ये फीचर वहाँ पर यूज होता है कंट्रीज लाइक जर्मनी, जहाँ पर आपका रिन्यूएबल ऑलरेडी जो कनेक्टेड टू द ग्रिड है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो ग्रिड ऑपरेटर करता है क्या, ग्रिड ऑपरेटर की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ग्रिड ऑपरेटर के पास कंट्रोल होता है कि सर्टेन टाइम्स के ऊपर ग्रिड ऑपरेटर आपका जो सोलर सिस्टम लगा होता है उसको लिमिट करता है कि आपने, आपके सोलर सिस्टम ने जो ग्रिड के अंदर पावर इंजेक्ट करनी है वो इतनी करनी है, आपके सोलर का आउटपुट इतना होना चाहिए ताकि आप एक्स वाई जेड अमाउंट ग्रिड से भी कंज्यूम करें. ठीक है, तो ये जो डिवाइस होती है रिपल कंट्रोल रिसीवर, ये हुआवे का प्रोडक्ट नहीं है, ये ग्रिड ऑपरेटर आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इक्विपमेंट ये आपको हुआवे सप्लाई करता है, ये जो ग्रिड ऑपरेटर होता है ये खुद ही आपको सप्लाई करता है, और खाली इन्वर्टर्स के अंदर इंटरफेस अवेलेबल है. लाइक जिस तरह छोटे इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हो, जिस तरह बड़े इन्वर्टर्स हैं 50 हो गया, 36 हो गया, 60 और 100, उसके उसके साथ फिर आप, अगर आपको रिपल कंट्रोल कंट्रोलिंग चाहिए तो आप स्मार्ट लॉगर के ऊपर उसके ऊपर उसके कनेक्शन के पॉइंट्स अवेलेबल हैं. जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉम 3 KTL अप टू 20 किलोवाट इन्वर्टर्स, पोर्ट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कम्युनिकेशन जो उसका कनेक्टर होता है उसके अंदर 16 पॉइंट्स होते हैं, 1 से लेके 16 तक, तो सर्टेन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले पोर्ट जो है वो डेडिकेटेड है रिपल कंट्रोल रिसीवर के लिए. इस डिवाइस के कनेक्शन होते हैं आपके डायरेक्टली इन्वर्टर के साथ 3 to 20 KTL, जो रेस्ट ऑफ द इन्वर्टर्स आप स्मार्ट लॉगर के साथ इसके कनेक्शंस करते हो. ये उसकी सेटिंग्स है, आपने किस तरह सेटिंग्स अप्लाई करनी है, सेम पावर एडजस्टमेंट, एक्टिव पावर कंट्रोल, DI, एक्टिव स्केड्यूलिंग, और यहाँ पर आप 16 नंबर ऑफ सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हो डिजिटल इनपुट के थ्रू. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ ये किस तरह काम करती है. देखिए, यहाँ पर आपने सेटिंग्स अप्लाई कर दी DI इनपुट, एक्टिव पावर 20%, 30%, 50%, 100%. लेट सपोज कि ग्रिड ऑपरेटर DI इनपुट 1 को कमांड देता है और वो नॉर्मली, वैसे नॉर्मली ओपन होते हैं, ये क्लोज होता है, जैसे यहाँ से उसको कमांड रिसीव होगी 20% के ऊपर जो आपने सेट की हुई है, प्रीसेट एज पर इंस्ट्रक्शंस जो आपको ग्रिड ऑपरेटर की तरफ से मिली है. 20% की कमांड आई तो इन्वर्टर का जितना भी आउटपुट, इन्वर्टर 8 किलोवाट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन 5 किलोवाट का इन्वर्टर है एज पर द कमांड 20% ऑफ 5.5 किलोवाट, 1.1 किलोवाट. ठीक है, लोड डिमांड थी 2 किलोवाट, आपने 1.1 किलोवाट सोलर से कंज्यूम किया, स्टिल आपने 0.9 किलोवाट आप ग्रिड से ऑपरेटर से परचेज कर रहे हो, तो सारी की सारी कंट्रोलिंग जो है ग्रिड ऑपरेटर के पास होती है. हो सकता है कि इन फ्यूचर जब हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ग्रिड की, क्या कहते हैं, कि फॉर एग्जांपल के PV रिन्यूएबल एनर्जी की एडिशन टू द ग्रिड इंक्रीज हो जाती है, तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर तो ये सेम सिस्टम रिपल कंट्रोल का हमारे यहाँ भी ग्रिड ऑपरेटर की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन आ सकती है. ये मल्टीपल इन्वर्टर्स के सिनेरियो है. लेट सपोज कि अगर आपका मल्टीपल इन्वर्टर्स डोंगल वाले सिनेरियो में, जो भी मास्टर इन्वर्टर होगा उसी के साथ आपके डिवाइस के कनेक्शंस होंगे.
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इन्वर्टर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, नहीं, आपने हमेशा जो भी आर आर सी आर है, रिपल कंट्रोल रिसीवर, तो उसके जो कनेक्शन होंगे वो मास्टर इन्वर्टर के साथ होंगे। स्मार्ट लॉकेट के सिनेरियो में डायरेक्टली आपका जो रिपल कंट्रोल रिसीवर है वो जो है डायरेक्टली स्मार्ट लॉकेट के साथ कनेक्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किन पोर्ट्स के ऊपर डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये मीटर्स की कंपेटिबिलिटी है कि कौन से मीटर्स थर्ड पार्टी मीटर्स आपके साथ कंपेटेबल हैं, मैंने आपको इन डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि विच मीटर्स आर कंपेटेबल विथ आर इन्वर्टर्स। और इन मीटर्स के अलावा भी आप, अगर कोई मीटर मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है तो आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि पहले आप उसके डॉक्यूमेंटेशन शेयर करेंगे, फिर हुआवे आपको अप्रूवल देगा, तो फिर आप कर सकते हैं। अगर उसकी आपको हमेशा जो भी अदर देन दीज मीटर्स आपको उसकी मैपिंग करवानी पड़ेगी, अदर में जाके आपको हर एक रजिस्टर की मैपिंग करवानी पड़ेगी, मोडबस उसके जो एड्रेसेस होते हैं वो आपको मीटर का सप्लायर आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, थैंक यू जी। मैं भी क्वेश्चन लूँगा इस सेशन के बाद, आफ्टर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन मैं आपके साथ एक फीडबैक सर्वे शेयर करूँगा, तो काइंडली उसको फिलअप कीजिएगा बिफोर लिविंग दिस सेशन। ठीक है, हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें ताकि फिर मैं उस हिसाब से, आई बिलीव के काफ़ी लोगों के पास आवाज़ आ रही थी, सॉरी अपोलोजीज करूंगा उन लोगों के लिए जिनके पास इंटरनेट का इशू था, जिनके पास आवाज़ नहीं आ रही थी। प्रेजेंटेशन इस सेशन के बाद ऑटोमेटिकली जो जिस ईमेल के थ्रू आप लोगों ने रजिस्टर किया है उस ईमेल के ऊपर आप लोगों के पास आ जाएगी। इफ़ यू आर यूजिंग 1 Sun 2060 kTL इन्वर्टर विल बी यूज स्मार्ट डोंगल और स्मार्ट लोगर फॉर जीरो एक्सपोर्ट विद मीटर। देखें, अगर आप Sun 2060 kTL इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो स्मार्ट डोंगल 4G आप यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट डोंगल WLAN-FE आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस जो है यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट पावर सेंसर 60 kTL के साथ DTSU666H। अगर आप 4G डोंगल यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप स्मार्ट लोगर यूज़ करते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप 4G डोंगल यूज़ कर रहे हो, अगर आपके प्लांट के ऊपर वेदर स्टेशन भी आपने अटैच करना है, फॉर एग्जाम्पल आप डिज़ाइन फेज के अंदर हो, अगर आपके किसी कस्टमर को आप प्रोजेक्ट पिच इन कर रहे हो और आप क्या कहते हैं उसको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस भी दे रहे हो, वेदर स्टेशन भी दे रहे हैं और 60 kTL इन्वर्टर, तो आपको स्मार्ट लोगर परचेज करना होगा, क्योंकि जो वेदर स्टेशन होता है EMI वो आप डायरेक्टली इन्वर्टर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप अफान आपका आपको आंसर मेरा क्लियर हो गया होगा। हाउ टू एड मीटर इन केस ऑफ 4G डोंगल? ठीक है जी, गुड क्वेश्चन। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप 60 kTL इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं और आपको पता है कि इन इन्वर्टर्स में डिफिकल्टी क्या होती है, इन्वर्टर्स के अंदर बिल्ट इन WLAN नहीं होता, जिस तरह जो छोटे इन्वर्टर हैं 3 से लेकर 20 kTL इन्वर्टर तक, उनके अंदर बिल्ट इन WLAN होता है, आप डायरेक्टली बहुत ईजिली जो है आप मीटर को ऐड कर लेते हो। ठीक है, अब इन इन्वर्टर्स के अंदर 60 kTL या फिर 50 kTL इन्वर्टर, आपने करना क्या होता है, इन इन्वर्टर्स के साथ WLAN अडोप्टर 2000C सप्लाई होता है। ठीक है, आपने सबसे पहले WLAN 2000 अडोप्टर 2000C USB पोर्ट पे लगाना है, 4G डोंगल जो है आप साइड पे करके रख देंगे। ठीक है, आपने प्लग इन कर दिया, आप वाईफाई सर्च करोगे, आपको अडोप्टर के नाम से एक वाईफाई मिलेगा, आप उसके वाईफाई के थ्रू, उसका पासवर्ड होता है चेंज मी विद कैपिटल सी चेंज मी, आप उसके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गए। अगर आप फ्यूजन सोलर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, आपको फ्यूजन सोलर की एप्लीकेशन आपने ओपन की, आपने यूजर नेम और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, आपने मेक श्योर करना आपके मोबाइल का डेटा बंद होना चाहिए। टॉप राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स नजर आएंगे, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिवाइस कमिशनिंग आपको ऑप्शन नजर आएगा, आप उसके डिवाइस कमिशनिंग नो नेटवर्क आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका मोबाइल का डेटा ऑन होगा, सिम कार्ड का जो नेटवर्क होता है 4G डेटा आप यूज़ करते हैं वो ऑन होगा, तो आपको डिवाइस कमिशनिंग का ऑप्शन नज़र ही नहीं आएगा, तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपके डिवाइस का डेटा बंद होना चाहिए। ठीक है, डिवाइस कमिशनिंग के ऊपर आपने क्लिक किया, आपके स्क्रीन के ऊपर कनेक्ट लिखा हुआ आएगा, कनेक्ट के ऊपर टच करेंगे, आपके मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा। कैमरा खुलने के बाद आपका जो WLAN अडोप्टर आपने USB पोर्ट पर कनेक्ट किया था उसका आप QR कोड या बार कोड जो होता है आप उसको स्कैन करेंगे। आप आई बिलीव कि आपको पोर्ट्रेट करना पड़ेगा, मोबाइल लैंडस्केप में नहीं होगा, आप अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट करके कैमरा उसको स्कैन करवाएंगे, आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, आपसे पासवर्ड पूछेगी, पासवर्ड होगा 5x0 फॉलोड बाय A4 Apple। आपके पास मेन स्क्रीन आ जाएगी, जिस तरह मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया, मेंटेनेंस मेंटेनेंस पे आप जाके एड डिवाइस,
के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे मीटर और मीटर का आप मॉडल सेलेक्ट करेंगे। अगर लेट सपोज आप 60 KTL यूज कर रहे हो, आप मीटर है DTSU666H, आपने वो सिलेक्ट किया और नीचे आपने उसका एड्रेस कर दिया, आपका मीटर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर लेट सपोज कि पूरा आपको बता देता हूँ कि इसमें आपने कमीशनिंग भी करनी है, अगर आपने कमीशनिंग करनी है तो 4G डोंगल वाला जो एक सिंगल इन्वर्टर होता है उसका थोड़ा मसला होता है। आप करेंगे क्या, सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कॉम कॉन्फ़िगरेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। कॉम कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे, वहाँ पर एक ऑप्शन होगा मैनेजमेंट सिस्टम, आप मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन कर देंगे SG5.FusionSolar.Huawei.com, आपने डिफाइन कर दिया, फिर आपने क्लोज करके आपने WLAN Adapter 2000C को रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद आप 4G डोंगल को प्लग इन कर देंगे जिसके अंदर आपने सिम कार्ड लगाया हुआ है। अगर उस जगह पर आपके नेटवर्क के सिग्नल और आपके सिम कार्ड के अंदर पैकेज हुआ हुआ है, 2-3 मिनट के बाद आप देखेंगे आपके 4G जो डोंगल आपने लगाई है उसका जो LED स्टेटस है वो कंटिन्यूस ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। जब आपका कंटिन्यूस ग्रीन हो गया तो अब आप जाके आप साइट छोड़ सकते हैं, आप साइट से जाके आपने ऑफिस में इजिली होके, या फिर अगर आप साइट के ऊपर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है, आप लैपटॉप के ऊपर अपना कंपनी अकाउंट खोलें, एड प्लांट पे जाएं, पहले पेज के ऊपर आप प्लांट की डिटेल्स दें, सेकंड में आप 4G डोंगल का सीरियल नंबर इनपुट करके नेक्स्ट कर दें, आपके पास बेसिक स्टेप्स हैं, लोकेशन, टाइम सेटिंग, और आपके पास प्लांट एड हो जाएगा। आई होप नवाज कि आपको क्लियर हो गया होगा। कैन वी अप्लाई पावर लिमिटेशन सेटिंग्स रिमोटली एज पर लोड इन केस ऑफ पावर मीटर? जी बिल्कुल, अगर लेट सपोज कि आपने मीटर सक्सेसफुली ऐड कर दिया है तो आप रिमोटली फ्यूजन सोलर के थ्रू भी आप उसकी सेटिंग्स के साथ प्ले कर सकते हैं। लेट सपोज आप जाएंगे, आपने प्लांट खोला, डिवाइस मैनेजमेंट में आप गए, अगर आप स्मार्ट डोंगल यूज कर रहे हो, 20 KTL की एग्जाम्पल है, आपने डिवाइस मैनेजमेंट में गए जहाँ पर डिवाइस की लिस्ट आती है, आपने स्मार्ट डोंगल जहाँ पे लिखा होता है उसके बराबर में एक स्क्वायर कलर का आपको बॉक्स नजर आएगा, उसके ऊपर चेक किया, पैरामीटर सेटिंग्स में आप चले गए, एक्टिव पावर कंट्रोल का पावर एडजस्टमेंट का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग पावर एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने मोड सेलेक्ट किया और सारा आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोलर, अगर आपका एक इन्वर्टर है इन्वर्टर सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद लिमिटेशन मोड, टोटल पावर, या फिर सिंगल फेज, सिंगल फेज आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगे, बाकी जो नीचे ऑप्शन है उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी कस्टमर के अगर आप सिंगल फेस मोड अप्लाई कर रहे हैं, इट इज बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी फेस के ऊपर अगर 0 kW लोड होगा तो डेफिनेटली आपका इन्वर्टर 0 kW के ऊपर लिमिट हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम को रेफरेंस लेता है आपका सिस्टम। आई होप कसीब आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। Will the smart logo send any information if the 4G signal is lost? For instance, 3G signal available at site. देखें, अगर आप स्मार्ट लॉगर यूज कर रहे हैं और आपने 4G वाला ऑप्शन यूज किया हुआ, अगर सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके बाद सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं आती तो होता क्या है कि इसमें ना एक ऑप्शन होता है फेल सेफ कम्युनिकेशन, अगर आपकी कम्युनिकेशन इंटरप्ट होती है स्मार्ट लॉगर की विथ मीटर और विथ नेटवर्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो आपका सिस्टम 0 kW के ऊपर लिमिट हो जाता है। 3G सिग्नल्स के ऊपर स्टिल आपका जो है वर्क करेगा, कमांड इन्वर्टर आपका लेगा, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप स्मार्ट लॉगर यूज कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट है वो आप उसका WLAN वाला फीचर यूज करें, लोकल जो इंटरनेट आपके कस्टमर होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपका इंटरनेट अवेलेबल होता है। अगर आपकी रिमोट साइड है जहाँ पर आपका उस कस्टमर के पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप 4G वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, वैसे प्राइमरी ऑप्शन जो है WLAN वाला ऑप्शन बेहतर रहता है। कैन यू अप्लाई पावर लिमिटेशन सेटिंग्स रिमोटली एज पर लोड इन केस ऑफ पावर मीटर एक्टिव लोड? जी बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग 8 inverter देन हाउ मास्टर इन्वर्टर कैन बी चूजन अमंग देम? लेट सपोज कि अगर आप 8 inverter यूज कर रहे हो 20 KTL के, ठीक है, 20 × 8 तो 160 kW बन जाता है। तो जिस इन्वर्टर के ऊपर जो पहला इन्वर्टर है, आप किसी किसी भी इन्वर्टर के आप मास्टर इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो पहला इन्वर्टर होगा आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, ऐसा नहीं है जो मिड में इन्वर्टर होगा आप उसको मास्टर इन्वर्टर बनाएंगे, जो पहला इन्वर्टर है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड जिस डिवाइस के ऊपर आप पहला इन्वर्टर, लेट सपोज आपके 6 inverter लगे हुए, फ्रॉम 8 inverter है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टिल द एट, जो पहला इन्वर्टर आप उसको मास्टर चूज करेंगे, जिस जिस इन्वर्टर के ऊपर आप WLAN-F ही लगा रहे हो,
डोंगल लगा रहे हो वो आपका मास्टर इन्वर्टर होगा। उसी इन्वर्टर के साथ आप उसके पोर्ट नंबर 7 एंड 9 के ऊपर आप डायरेक्टली मीटर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे 8 इन्वर्टर्स 20 KTL की एप्लीकेशन बनती नहीं है। अगर आपके 60 KTL के 8 इन्वर्टर्स लगाते हो तो फिर आपका वहाँ पे स्मार्ट लॉगर वाला इन्वर्टर आ जाता है। पहला इन्वर्टर आपका मास्टर होता है, जो स्मार्ट लॉगर वहाँ पे इन्वर्टर की जो डिसीशन बनती है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है कॉम 1 के ऊपर या 2 या 3 के ऊपर, और स्मार्ट पावर सेंसर आप किसी भी कॉम के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट एडिशनल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू ऐड जेनेट्जा? देखें, जेनेट्जा को ऐड करने के लिए आपको कोई एडिशनल स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। आप जहाँ पर मीटर आपने ऐड कर दिया, देखें जेनेट्जा का जो एड्रेस होता है ना आपके मैनुअल के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 4 होता है या फिर 60 होता है। आपने मेक श्योर करना होता है जो भी मीटर होता है उसके टेक्निकल मैनुअल के अंदर उसका डिफॉल्ट एड्रेस इंपॉर्टेंट है। उसका डिफॉल्ट एड्रेस क्या है, 60 है, 4 है, कुछ मीटर्स का 60 होता है। अब मुझे ठीक से याद नहीं है कि जेनेट्जा का क्या एड्रेस होता है, आई बिलीव कि शायद 4 होता है। अगर आपको उसके मैनुअल से मिल जाएगा कि उसका डिफॉल्ट एड्रेस क्या है, 4, एक चीज इंपॉर्टेंट ये हो गई। दूसरा, उसका बोर्ड रेट क्या है, 9600 या फिर 4800, डिफरेंट बोर्ड रेट्स होते हैं। तो आपने वहां से चेक कर लिया, और हुआवे के जो बोर्ड रेट्स होते हैं, आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, कॉम पैरामीटर स्मार्ट लॉकेट के अंदर, वहां पर RS485 होगा। RS485 1 2 3, COM 1 COM 2 COM 3, बाय डिफॉल्ट जो होता है उसका जो होता है एड्रेस, जो बोर्ड रेट होता है हुआवे की तरफ से 9600 होता है। और अगर आपने देखा जो भी आपको नजर आया आपके मीटर के मैनुअल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 11520 लाइक दैट, अगर आपका बोर्ड रेट है तो आप उसका बोर्ड रेट चेंज कर देंगे। कुछ मीटर्स की पैरिटी चेंज होती है, पैरिटी नन है, ऑड है, इवन है, आपने मैनुअल से चेक कर लिया इस मीटर की पैरिटी क्या है, वो आपने डिफाइन कर दिया RS485 के ऊपर। फिर आप जाएंगे मेंटेनेंस ऐड डिवाइस के ऊपर, आप डायरेक्टली मीटर को ऐड करेंगे, आपको पता है कि उसका डिफॉल्ट एड्रेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने मैनुअल से देखा 4 एड्रेस है, आपने एड्रेस दिया, आपने कॉम डिफाइन की कि कॉम 2 के ऊपर लगाया हुआ, आपने मीटर ऐड कर दिया। फिर आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, कॉम पैरामीटर नीचे लिखा होगा पावर मीटर, पावर मीटर पर आप जाएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, मॉडल आपका मॉडल कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल आप जेनेट्जा 604 यूज कर रहे हैं, आपने 604 सेलेक्ट किया, नीचे आपके पास आएगा सीटी रेशियो। लेट सपोज कि आप जिस सीटी रेशियो जेनेट्जा के साथ प्राइमरी टू सेकेंडरी 5 एम्पेयर और 1 एम्पेयर दोनों सीटीज काम करती हैं, आप किसी भी सीटी परचेज करके लगा सकते हैं, और आप फिर आप उसका सीटी रेशियो डिफाइन कर देंगे। लेट सपोज आपका प्राइमरी है 2500 डिवाइडेड बाय सेकेंडरी 5 एम्पेयर यूज कर डिवाइड करके जो आपके पास फिगर आएगी वो वहाँ पे आप डिफाइन कर दोगे, आपके पास वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आप स्मार्ट लॉगर के साथ आपने मीटर ऐड किया है, इनिशियली जब आप मीटर ऐड करते हो हर मीटर को ऑनलाइन दिखाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कम्युनिकेशन वायर्स गलत भी कनेक्ट किए हुए, तो आप 5 से 10 मिनट ऑब्जर्व करोगे, अगर आपके कनेक्शन रॉन्ग होंगे तो 5 से 10 मिनट के बाद आप मॉनिटरिंग में जाके मीटर का स्टेटस देखोगे, वो ग्रे हो जाएगा, मीन्स कि आपने मीटर सही से कनेक्ट नहीं किया, तो आपको दोबारा चेक करना होगा। जेनेट्जा दिस मॉडल इज नॉट अवेलेबल एट Sun 2000। देखें ये मॉडल काम करता है बिल्कुल, मैंने काफी कस्टमर्स को ऐड करवाया। सिंपल इज दैट, आप जाएंगे जो UMG 604 है, जो UMG 604 है आप वो सेलेक्ट करेंगे, आपका ये मीटर ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जेनेट्जा के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके रजिस्टर की जो मैपिंग है वो सेम ही है, ठीक है। तो आपने 604 के साथ UMG 604 सेलेक्ट करेंगे, आपका ये मीटर ऐड हो जाएगा और आपके पास वैल्यूज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। काफी एप्लीकेशन हैं, ऑलरेडी मैं अप्लाई कर चुका हूँ। एज यू सेड देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 10% एक्स्ट्रा इन एसी पावर, देन कैन वी सेट एसी टू डीसी रेशियो 1.2 अकॉर्डिंग टू इट फॉर 60 KT? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखें 10% एक्स्ट्रा, मैंने आपको जिस तरह बताया कि 10% एक्स्ट्रा सर्टेन टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर पर देता है। फॉर एग्जाम्पल 60 KTL, अब मेरे ख्याल से अगर उसका टेम्परेचर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप खुद चेक करोगे, आपने देख लिया कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये 66 किलोवाट दे सकता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बियंट टेम्परेचर, और आप रूम के अंदर इस तरह का एनवायरमेंट इतना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, तो फिर आप 66 किलोवाट के हिसाब से एसी डीसी टू एसी रेशियो आप कर सकते हैं, ठीक है। डीसी टू एसी रेशियो के ऊपर और फैक्टर्स भी होते हैं, काफी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। नॉर्मली हमारे रीजन के हिसाब से 1.2 to 1.3 इज गुड इनफ, ठीक है। आई बिलीव के आप लोगों को मेरी आवाज आ रही थी, जिनको मैंने आंसर्स किए हैं प्लीज एक मतलब कंफर्मेशन दे दें, क्योंकि मैं बोले ही जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं क्लोज रूम में बात कर रहा हूँ।
काइंडली कंफर्म कि आप लोगों को मेरे आंसर्स क्लियरली समझ आए, ठीक है जी। एक कोई एक बंदा कंफर्मेशन दे दे, जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आपको आवाज़ आई है। थैंक यू नवाज। अच्छा, बिफोर लीविंग मैं आप लोगों के साथ एक सर्वे फॉर्म जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली उसको जो है आप फिल इन कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है जी।